आई इंडिया द्वारा खबर प्रसारण के बाद बंधे पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रकाश व्यवस्था प्रशासन स्तर से करवा दी गई है। यही नहीं, सोच के लिए अस्थाई शौचालय भी बनवाए जा रहे हैं। पेयजल के लिए यहाँ कई नल लगवाए गए हैं, तो सोलर लाइट की रोशनी से बंधा जगमगा रहा है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बाढ़ के पानी ने उन्हें घरों से निकाला तो बंधे पर शरण ली। अब वहां चिलचिलाती धूप में बदन झुलस रहा है। तहसील महमूदाबाद के दर्जनों गांव के ग्रामीणों के घरों में उफनाई घाघरा का पानी पिछले कई दिनों से भरा हुआ है और वह बंधे पर तिरपाल तान कर रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 4 दिन लंच पैकेट बांटे गए, उसके बाद कोई हाल जानने नहीं आया। पशुओं के लिए चारे की भी बहुत दिक्कत हो रही है। सोमवार को SDM महमूदाबाद गिरीश कुमार झा ने पीड़ितों का हाल जाना। क्या हो गया पैर में? पानी से सड़ गए। इसी पानी में? इसी पानी में काम करना पड़ता है। सामान ढो, जानवरों को खिलाओ, इसी से सड़ गए। कैसे घर गिरा है? ये बाढ़ से गिरा। कितने दिन से पानी भरा है? अरे 8 दिन से भरा है। एकदम सहायता सरकार से मिली है? दे दिए हैं। और तिरपाल वगैरह राशन मिला नहीं मिला? हाँ मिला है थोड़ा बहुत। दिक्कतें क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है? अरे घर और गिर गया है, सब समस्या ही है। दीवार गिर गई सब पक्की। क्या नाम है आपका? जयक राम। कहाँ आए हो पानी में? यहाँ सामान ढोए आया। अच्छा, कब से पानी भरा है? पानी भरा होगा एक महीना। सरकार ने क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं आप लोगों को? व्यवस्था तो लिया चरना सब बटा रहा है, राशन पानी बटा है, बंधा पर हम सामान ढोए थे। हाँ, अच्छा, बंधे पे खाना प्रतिदिन पैकेट मिलता है? नहीं मिलता है? पैकेट नहीं मिलते। कितने दिन मिला है? खाना अपने आप बनाने पड़ता है। अच्छा अच्छा, सरकार ने कई दिन दिया है? सरकार 2-3 दिन दी है बस। कहाँ घर है आपका? ये है। कितने दिन से पानी भरा है? अरे बहुत दिन हो गई, घर गिर गया तब से। का का दिक्कतें आ रही? अरे दिक्कतें का, घर ही नहीं है तो मैं कायम रही। अच्छा, जब गिर गया तब। खाना वाना कैसे बनता? खाना वाना ही बन रहा, वो बंधा पर बैठे हैं। कब से? आज हो गए 15 दिन। खाना नहीं खाए हैं क्या? अरे खाए हैं, लेकिन वहाँ खाए हैं, यहाँ कहाँ खाए हैं। जानवरों के चारे के लिए? जानवर के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें तो साहब बहुत हैं। नदी के धार से घर गिर गए और अनाज सब भीज गया, बह गया, बर्तन बह गए, कपड़े लत्ते बह गए, घर गिरे हैं, वहीं पड़े हैं सब, और गिरने वाले हैं खरों से। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? तो दिक्कतें काफी ज्यादा हैं, बाढ़ से हम लोग बहुत दिन से पीड़ित हैं। न कोई सुविधाएं की जा रही है, सब लोग प्रॉब्लम में ही है। भोजन पैकेट वितरण तो हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही है? हो रहा है, लेकिन इधर नहीं हो रहा है, वो बांध पे ही हो रहा है और यहाँ के लोग नहीं खा पा रहे हैं। जो मिलना चाहिए यहाँ पे वो हम लोगों को नहीं मिला है और बांध के उस पार वालों को मिला है। ऐसा क्यों? प्रधान को खुद ही सोचना चाहिए कि गांव गांव बांटे, सबके घर घर बांटे। प्रधान कभी नाव से आते ही नहीं, क्या वो इस जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते? आई इंडिया के लिए रामपुर मथुरा से संजय सिंह की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।